यही देश देखना एक दिन हिंदू देश ही बने बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल, जिस तरह बिल्कुल। ये हिंदुइज्म में शिफ्ट होते जा रहे, जिस तरह ये आती जा रहा। अब ये देखो ना, जापान के अंदर भी लॉर्ड गणेश जी की बिल्कुल पूजा होती है, इंडोनेशिया के अंदर हालांकि मुस्लिम देश है उधर भी हो रही बिल्कुल है, थाईलैंड के अंदर भी है, श्रीलंका के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, कनाडा है, कनाडा कोई है, ऐसे सिंगापुर होगा। मुझे नहीं पता था इतने बड़े भव्य लेवल पर ये फेस्टिवल उधर मनाया जाएगा। हजारों के हिसाब से इंडियंस भी थे और दूसरे भी थे, मतलब उत्तराखंड के लोग। अच्छी बात लगी, मतलब फॉरेनर्स जो भी उनको बोलूंगा, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस यू अटेंडिंग दिस सिंस मॉर्निंग? आई एम फ्रॉम जर्मनी एंड इट्स वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस, इट्स वेरी वेरी मच लाइक मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, बट इट्स absolutely amazing, like the whole hour playing other people, like Hinduism ko na sirf arab country balki europe aur maghrib mein jo hai bahut zyada pazirai mil rahi hai, bahut zyada praise mil rahi hai, lekin dusri janib jo musalman ki jo masjid hai, allah akbar ke naaron par ban, islami masjidon par ban, wo log to apna culture apna religion promote kar rahe hain aur hum log bhai isse pata lagta hai ki hindustani culture puri duniya mein kitna famous hai, bahut zyada famous hai, bahut zyada famous hai, kitne zyada log pasand karte hain is culture ko। Jai Hind dosto, dosto bhagwan ganesh ke is mahaparv ko bharat samet duniya bhar ke kone kone manaya ja raha hai aur duniya bhar ke alag alag deshon mein rehne wale alag alag dharm ke log ise khushi khushi mana rahe hain। मैंने यही बोला कि यही देश देखना एक दिन हिंदू देश ही बने होंगे, जिस तरह ये हिंदुइज्म में शिफ्ट होते जा रहे, जिस तरह ये आती जा रहे। अब ये देखो ना, जापान के अंदर भी लॉर्ड गणेश जी की पूजा होती है, इंडोनेशिया के अंदर हालांकि मुस्लिम देश है उधर भी हो रही है, थाईलैंड के अंदर भी है, श्रीलंका के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, अबे कहां हर जगह, अमेरिका के अंदर भी है, कनाडा है, कनाडा कोई ऐसे सिंगापुर हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिधर ना हो जाए, हर जगह हो रही है। और वहां पर लाखों विदेशी बोल पाएंगे हम, क्योंकि इंडिया से बाहर सारे विदेशी हैं, विदेशी मतलब के मतलब बहुत तेजी से हिंदुइज्म में शिफ्ट भी हो रही है सारी चीजें। इंडोनेशिया का नोट है ना, नोट उसके साइड पे वो डॉट गणेश जी की है, बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर भी लगी हुई है। सही कहा, जब इनकी इकॉनमी डूब रही थी तो उन्होंने कहा भाई हम ये करते तो इस तरह इनकी इकॉनमी भी स्टेबल होगी। सारी बात है, मतलब के वो कहते हैं ना गैबी ताकतें वो होती हैं, और जिस तरह बीच में और बताया गया कि भाई कनाडा के अंदर टोरंटो इधर उधर, अमेरिका का एक रोड है उसका नाम भी इनके नाम, मतलब के लॉर्ड गणेशा टेम्पल स्ट्रीट के नाम से भाई रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी और के देशों में भाई इंडिया का मतलब के हर एक इंडिया का नहीं सॉरी हिंदुइज्म का दबदबा इतना बढ़ता जा रहा है कि वहां पे मतलब स्ट्रीट्स के ना भाई वहां पर नोटों पे मतलब के हिंदुइज्म के भाई लॉक। दरअसल आज के समय इंटरनेट पर कुछ ऐसी फोटो और वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि केवल भारत ही वो देश नहीं है जहां पर भगवान गणेश का आगमन हुआ हो, बल्कि आज के समय दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर भगवान गणेश जी के इस महापर्व को बिल्कुल भारत के जैसे ही मनाया गया है और वहां पर रहने वाले लोग भी भगवान गणेश की भक्ति में लीन हो चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से ऐसी ऐसी फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि भगवान गणेश के इस त्योहार को अलग अलग देशों में कितनी ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन सब देशों में भले ही भारत के जैसे भगवान गणेश के बड़े बड़े पंडाल न लगाए जाते हो, भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना ना होती हो, लेकिन फिर भी इन देशों में रहने वाले लोग भगवान गणेश की छोटी छोटी मूर्तियों की स्थापना करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। सैकड़ों लोग भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए इकट्ठे होते हैं और विदेशों की सड़कों पर बिल्कुल भारत का नजारा देखने को मिलता है। विदेशों में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग इस त्योहार को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित थे कि कई लोगों ने भगवान गणेश के इस महापर्व को अपने ही देश में मनाया है और कई लोग भगवान गणेश के इस महापर्व को मनाने के लिए खास भारत आए हुए हैं। और विदेशों से आए हुए इन पर्यटकों का कहना है कि भारत में जो समय चल रहा है वह बहुत ही ज्यादा खास समय है और हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें भगवान गणेश के इस महापर्व में सम्मिलित होने का मौका मिला, क्योंकि इस महापर्व में सम्मिलित होने के बाद भारत में जो हमें आनंद प्राप्त हो रहा है तो वह आनंद आज तक हमें कहीं पर भी नहीं मिला।
और यही गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है वो ये आपके सामने मैं दिखा भी सकती हूँ। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूएई। और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है मैम? अनम, ऐसा है कि हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। हमारा अल कुरान भी लकुम दीनकुम वलयदीन कहता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो जब हमारा अल कुरान इस बात की इजाजत देता है, और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत फले फूले हैं, बहुत बढ़े हैं। आप अफगान देखो तो क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी थे वो खत्म हो गए। आप पाकिस्तान देखो, हिंदू माइनॉरिटीज को आप लोगों ने मार काट करके खत्म कर दिया। उसके बाद आप तालिबान देखो, वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज को मार काट करके खत्म कर दिया गया। उसके बाद आप ईरान देखो, वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज को काट मार करके खत्म कर दिया गया। और अब हालिया में बांग्लादेश को हम लोगों ने अपनी नजरों से देखा है। इसमें कोई इतिहास के पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बंगालियों को पाकिस्तान से लड़ करके बांग्लादेश बना करके दिया, और आज वही हमें दिखाई दे रहे हैं कि बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर वो सुसू कर रहे हैं, वो शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का इनर गारमेंट को वो लहरा रहे हैं हवा में, हिंदुओं को मार रहे हैं। और जो इंट्रीम जो एक सरकार बनी है वो जमात इस्लामी के लोगों से बैठ करके गौर तालाब कर रही है। वहां पर हिंदू जितने भी ब्यूरोक्रेट थे, जितने भी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मारा काटा गया है। उनके उनके मत्थे पर पिस्टल रख करके उनको या तो कन्वर्ट करवाया गया है, इस्लाम कबूल करवाया गया है, और या तो फिर उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ तक के बांग्लादेश के जितने भी इस्लामिक प्रीचर और प्रीस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जिनको लाइलाहा आता है वही आईएएस के चेयर पर बैठेगा, जिसको लाइलाहा आता है वही आईपीएस के